केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 12 करोड़ छात्रों के खाते में ट्रांसफर होगा पैसा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का दावा, दिसंबर तक हर शख्स को लग जाएगा कोविड टीका। चीन ने पाकिस्तान से कहा, टीका चाहिए तो VRI परियोजनाओं की स्वीकृति दो। ब्लैक फंगस के खतरे के बीच राहत की खबर, 10 लाख इंजेक्शन देगी ये अमेरिका कंपनी। तुर्की ने भारत भेजी राहत सामग्री की खेप, महात्मा गांधी रूपी को भी किया याद, कहा भारतीयों की मदद नहीं भूले। 2 दिन में फिर बड़े संक्रमित, ब्लैक फंगस से 5 की मौत। कोरोना कर्फ्यू में घूम रहे लोगों को अनोखी सजा, गंगा और तैर रही जेटी पर लगाई कतार, वसूले जुर्माना। पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, केंद्र सरकार ने मांगे आवेदन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा उन्हें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, पीएम के साथ बैठक में शामिल नहीं हुई थी। सोमवार से खुलेंगे कारखाने, निर्माण कार्य भी शुरू होंगे। पूर्णबंदी चरणबद्ध रूप से हटाने का दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फैसला। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।